नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। कनाडा में विकसित हुआ एनोविड नाम का एंटीवायरल नेजल स्प्रे कोरोना वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी पाया गया है। जिन कोविड 19 के मामलों की पुष्टि हुई है उनमें स्प्रे 24 घंटे के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर देता है, वहीं 72 घंटे में 99% वायरल लोड कम करता है। इस बात की जानकारी रविवार को एक प्रेस रिलीज में दी गई है। ब्रिटेन में स्प्रे का परीक्षण भी किया गया है। प्रेस रिलीज के अनुसार इसराइल में बनाए गए इस स्प्रे को वायरस के संपर्क में आने के बाद दिन में 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 12 साल तक के बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। इसे इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में मंजूरी दी थी। आने वाले हफ्ते में इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी। ये स्प्रे सेनोटाइज नामक कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी की CEO और संस्थापक डॉक्टर गिली रेगवे ने कहा, हमने जो स्प्रे विकसित किया है वह न केवल कोविड करने वाले वायरस के खिलाफ अवरोधक का काम करता है बल्कि उस वायरस को मार भी देता है। कंपनी का कहना है कि स्प्रे से कोविड 19 संक्रमण को कम किया जा सकता है। यह 2 मिनट के भीतर SARS-CoV-2 वायरस को दबाने में सक्षम है, जिसमें अल्फा और बीटा वेरियंट भी शामिल है। फिलहाल इसे डेल्टा वेरियंट के खिलाफ टेस्ट किया जा रहा है। स्प्रे अन्य श्वसन संबंधित उन वायरस के खिलाफ भी काम करता है जो फ्लू का कारण बनते हैं। इस समय दुनिया के कई देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। तेज गति से टीकाकरण करने वाले जिन देशों ने वायरस को नियंत्रित कर लिया था वहां भी मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। मामलों के बढ़ने के पीछे कोरोना के नए वेरियंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि इस स्प्रे को वेरियंट के खिलाफ भी प्रभावी बताया गया है। अगर यह कंपनी के दावे के अनुसार काम करता है तो इससे आने वाले समय में काफी मदद मिल सकती है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहिए सीटीडी न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।